हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप हमारे साथ रहें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हर आफत हर बला से महफूज रखे, जमीन से आसमान तक बोलबाला रहे, मशरिक से मगरिब तक यूं ही कामयाबियों का परचम लहराता रहे। शुक्रिया। दुश्मनों के सर हमेशा आपके कदमों के नीचे रहे, आपकी तलवार की धाक सारे आलम में जमी रहे। अल्लाह आप लोगों की दुआएं कबूल करे। दादी जान कैसी? मिजाज नासाज है। जी हाँ, और आपको याद फरमा रही है। चलिए आइए। आदाब दादी जान। आपके साए में जिंदगी की बहारों के मजे लूटें। आपका मिजाज कैसा है दादी जान? कोई रोग हो तो बयान करूं, सौ रोगों का रोग है बुढ़ापा। बस नहीं दादी जान, आपको बहुत दिन जीना है, हमें दुआएं देना है, पर पोतों के सहरे देखना है, उनके बच्चों को गले लगाना है, प्यार करना है। खुदा रखे आप ये सब कीजिएगा, मैं कब तक जमीन का बोझ बनी रहूंगी। जिंदगी जब तक अच्छी, जब तक हाथ पांव चलते रहे, दादी जान ना उम्मीदी की बातें करना कुफरान नेमत है, खुदा को ऐसी बातें ना पसंद। खुदा ने अपनी हकीक के सदके में आपको फतह बख्शी है, अल्लाह आपको मुबारक करे। आमीन। खुदा करे हमेशा आपका कहा होता रहे। दादी जान अभी तो आपको बहुत मुबारकबादें देना है, खुशियां मनाना है, हमें हर जंग के लिए आपकी दुआओं की जरूरत है। हम आपसे इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज दादी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने इस कनीज की सुन ली, मेरे सुहाग की हिफाजत फरमाई, सुल्तान को खुदा बख्शी और दुश्मन का मुंह काला किया। आप ही की दुआओं की बरकत से हमें कामयाबियां नसीब हुई। असल में आपका नेक इरादा, आपका हौसला और आपकी वतन परस्ती ही आपकी कामयाबियों की जमानत है। हमारी सारी खूबियां ऐसे फूल हैं जिनकी खुशबू और रंग आपकी दुआएं और तमन्नाएं हैं। एक बात पूछूं? पूछिए। क्या मैदाने जंग में कभी आपको अपनी इस कनीज या अपने दिल के टुकड़ों का ख्याल आता है? आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नमाजी के जहन में नमाज के दौरान दुनिया की बहुत सी यादों की परछाइयां उभरती हैं, लेकिन वो बड़े खलूस के साथ अपने खुदा से लौ लगाए रहता है। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत और फख्र की बात है कि आप मुझसे जुदा होकर भी मुझे नहीं भूलते। सईदा बेगम, अंग्रेजों की शरारत से फुर्सत मिले तो हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बाल बच्चों में गुजारें, खुदा की इबादत करें, अपने अमाल का खुद जायजा लें कि इस दुनिया में आखिरत के लिए क्या कमाया है। आपकी तरह नेक अमल इस दौर में किसका होगा? आप अपने सारे फर्ज इस तरह पाबंदी और जिम्मेदारी से पूरे करते हैं कि ना बंदे शिकवा कर सके ना खुदा नाराज हो। आपको हमारे बारे में बड़ी खुशफहमियां हैं। आपके बारे में गलतफहमियां तो सिर्फ फिरंगियों को होगी। मैक्सवेल की गलतियों की वजह से कोयंबटूर हाथ से गया, हमें मद्रास में पनाह लेनी पड़ी, लेकिन तुम्हारी हार, तुम्हारा फरार हमारे माथे पर बदनामी का दाग बन गया। गजल हट्टी की हार ग्रैंड आर्मी के साथ मजाक है, पूरी अंग्रेज कौम की इंसल्ट है। तुम्हारे पास टीपू सुल्तान से कहीं ज्यादा फौज थी, हथियार और गोला बारूद जरूरत से कहीं ज्यादा था, तुम्हें मैदान जंग का पूरा प्लान दिया गया था, फिर भी तुम जंग हार गए। इट्स अ ब्लडी पिटी। अगर अंग्रेजी फौजें इसी तरह भागती रहीं, तो टीपू सुल्तान को खत्म करने की सारी कोशिशें खाब बन जाएंगी। अगर तुम जैसे बुजदिल और नालायक अंग्रेज दो चार और पैदा हो गए तो ये हिंदुस्तानी एक एक अंग्रेज को जिंदा दफन कर देंगे। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की तमन्ना अंग्रेजों के दिल में घुट कर रह जाएगी। रॉबर्ट क्लाइव और कॉर्नवॉलिस सबकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, इज्जत नीलाम हो जाएगी। सो टीपू सुल्तान से लड़ना आसान नहीं है, वो गरजती हुई तोपों को ललकारते हैं, फटते हुए गोलों को फान जाते हैं, वो मौत का पीछा करते हैं और मौत उनसे दूर भागती है। ऐसा बहादुर मैंने ना तो देखा है और ना सुना है। अपनी बुजदिली को दुश्मन की बहादुरी कहने वाले सिपाही कभी कामयाब नहीं होते। मैं तुम्हारा करियर खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें एक मौका और देता हूं। नवाब ऑफ मैंगलोर को टीपू सुल्तान के खिलाफ हमारा साथ देने पर राजी करो।
किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। इसके अलावा तुम्हारा करियर बचाने की कोई सूरत नहीं। थैंक यू सर, मैं आपका हुक्म बजा लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं करोगे तो पछताओगे। यहां से जाने के बाद किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकोगे। सर, मुझे उम्मीद है आइंदा आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। सर, साहब से मुलाकात करनी है। आइए। अपनी तलवारें हमें दे दो। चलिए। जूते यहां उतार दो। आइए। अपने सर की टोपियां उतार दो। आइए चलिए। कर्नल फ्लाइट, ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस की जानिब से पयाम मोहब्बत के साथ नवाब बहादुर की खिदमत में अपना सलाम पेश करता है। कर्नल फ्लाइट, हिज मजेस्टी जॉर्ज थर्ड किंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस के प्यार में मोहब्बत के साथ अली जनाब नवाब साहब ऑफ मैंगलोर की खिदमत में सलाम पेश करता है।
हुजूर नवाब साहब, आपके मेहमान अपने 3 सलामों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। 7 सलाम भी करोगे तो कयामत तक जवाब का इंतजार करते रह जाओगे। ये हाथ अंग्रेजों के सलाम को नहीं, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के सलाम के लिए उठता है। अगर मुझे आपसे कुछ जरूरी बातचीत ना करनी होती तो मैं अभी वापस चला जाता। अगर गैरतदार होते, मगर तुम तो अंग्रेज हो। हम तुम्हारे आने का मतलब खूब समझते हैं। इस आंगन में आज तक कोई ईमान फरोश पैदा नहीं हुआ। हमारे यहां गद्दारों की सजा मौत है और गद्दारी पर उकसाने वालों की सजा दर्दनाक मौत। तशरीफ रखिए। मुबारक हो सुल्तान, भगवान की कृपा से अंग्रेज हर मोर्चे पर युद्ध में पराजित हो रहे हैं। डिंडीगुल, पालघाट और इरोड से अंग्रेज भगा दिए गए हैं सुल्तान। हैदराबाद और पुणे की फौजों को उनके इलाकों में ढकेल दिया गया है। तहवुर जंग फरार हो गए और हरिपंत के सारे मंसूबे खाक में मिला दिए गए। हम इन खबरों से खुश हैं, लेकिन अभी हमारा खून उतना नहीं बढ़ा जितना कि उन इलाकों के खातिर हमारे जान निसारों ने बहा। अब जो सिपाही हमारे साथ नहीं रहे, उनके वारिसों के नाम उनकी तनख्वाहें जारी कर दी जाए। नाम दस्त दस्ता अर्ज करता है, इधर फौजी जरूरतों के लिए खजाने पर बेहिसाब बोझ पड़ा है। तो जंग में काम आने वालों की तनख्वाहें उनके वारिसों के नाम जारी करने के लिए हमें महसूल फिर बढ़ाना पड़ेगा। हरगिज नहीं, हम अपनी रियाया को महसूल के बोझ तले कुचलना नहीं चाहते। तो हमें अपने अखराजात घटाने पड़ेंगे। जरूरी अखराजात कम नहीं किए जा सकते। हकदारों का हक न रोका जा सकता है न मारा जा सकता है। गुलाम मजबूर है। हंगामी हालात के लिए जो खजाना महफूज रखा है उसमें से रकम निकालिए। उसी में से उन इलाकों की बहाली के लिए बहुत खर्च किया जा चुका है जिसे दुश्मनों ने तहस नहस कर डाला था। फिर भी बहुत है, आप उसे इस मद में सर्व कीजिए। दुश्मन के कब्जे से जिन इलाकों की वापसी की इत्तला अभी मिली है उनकी दुरुस्तगी के लिए भी रकम दरकार होगी। तो क्या हुआ, हमारे पास बहुत रकम है, हम अपना जाती खजाना भी आपकी तहवील में देते हैं। अवाम की भलाई के लिए दिल खोल के खर्च कीजिए। हमारे पास जो भी है उन्हीं के लिए है, वो है तो हम हैं। इस तरह अवाम की आदत बिगड़ जाएगी सुल्तान, उनकी जरूरत के लिए उन्हीं की जेब की रकम काम आनी चाहिए, उन्हें अपनी मदद आप करनी चाहिए। मीर सादिक साहब, सुल्तान हमसे और आपसे ज्यादा मुल्क के मामलात पर नजर रखते हैं और आपको सुल्तान के हुक्म से ज्यादा खजाने का ख्याल है। हुक्म की तामील फौरन हो। जरूर होगी। आप लोग जा सकते हैं।
खैरियत तो है? किस सोच में गुम है जनाब? सोचता हूं मुलाजमत से इस्तीफा दे दूं। हैं? ऐसी किस आफत ने घर घेरा कि गद्दी छोड़ भागने का मंसूबा बना रहे हैं? सुल्तान चाहते हैं कि अवाम की जेब से झंझी कौड़ी ना निकाली जाए, और कन्हैया का दबाव है कि खजाने से एक घिसा पैसा ना लिया जाए। और गाजी खान अलग बीच में टांग अड़ा करते हैं। वो जाहिल जट अपने को नवाब हैदर अली समझने लगा है। मुश्किल ये है कि इतने बड़े बड़े मामलात कैसे तय हों? हथियारों और गोला बारूद के कारखाने क्यों कर चले? घुड़सालों में घोड़ों की नस्लों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? हालात को देखते हुए अखराजात भी जरूरी हैं। न कम किए जा सकते हैं और न बंद किए जा सकते हैं। इसके लिए एक तरफ तो हट डालना ही पड़ेगा, या आवाम की जेब पर या खजाने पर। कुछ दिनों यही हाल रहा तो दोनों तरफ लू चलने लगेगी। क्योंकि ना आवाम की जेब भारी है ना ही खजाना अच्छा लग रहा है। फिर इस चारों तरफ की अलगार का सामना सुल्तान कब तक कर सकेंगे? सुल्तान की किस्मत का जो फैसला कातिब तकदीर लिख चुका है वो साफ नजर आ रहा है। इस फैसले में कहीं एक आध जेर जबर या कोई नुक्ता हम भी तो बढ़ा सकते हैं। कमाल करते हैं साहब, आजकल हम लोग चाहें तो जेर जबर क्या, पूरा पूरा जुमला घटा बढ़ा सकते हैं। इसकी जरूरत क्या है? जितना भी है जैसा भी है अपने हक में है। एक मुश्किल ये भी तो है कि सुल्तान अपने उसूलों से हट नहीं सकते और जमाना उनके उसूलों पर चल नहीं सकता। और हम जमाने के साथ अपनी जिंदगी के उसूल बदलते रहते हैं। हम आपकी होशमंदी और दूर अंदेशी की दाद देते हैं। इसीलिए तो हम सब आपके साथ हैं, आपको अपना रहनुमा मान चुके हैं। General Meadows Narkora here. Jo kam, che hafto me ho jana chaye tha, wo bara maino maybe nai ho saka. Jo ilake hamare kapse me ake, wo uni bi sambalna saka. Tipu sultane usse kak chatati. Agar us par parusa karte rohe, to hamara sar Hindustan maybe juk jaiga. And I will not let that happen. बिल्कुल नहीं। अमेरिका की तारीख हमें इंडिया में नहीं दोहराना चाहिए। Yes. हमारा जनरल्स ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दी। हमारी जासूसों की मेहनत गलत कर दी। It's shameful. Your Excellency, अब हमें आगे के लिए सोचना चाहिए, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। निजाम और पेशवा भी अगर हमारा साथ छोड़ गए तो अंग्रेज हिंदुस्तान में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यू आर एब्सोल्यूटली राइट ड्रेक। हमें उन्हें संभालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। योर एक्सलेंसी, किस्मत अभी हमसे नाराज नहीं है। टीपू सुल्तान के जनरल्स और मिनिस्टर्स उनसे नाराज होते जा रहे हैं। अभी तक हमने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया है, उन्हें सहारे की जरूरत है। हमने जो काम शुरू किया है उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। तुम उन लोगों से ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश करो, वो जिस भाव बिकना चाहे खरीद लो। हम उनके कंधों पे चढ़कर टीपू सुल्तान को फांसी चढ़ा देंगे। टीपू सुल्तान का कद बहुत ऊंचा है। You are quite right, Your Excellency. Drake, हमें अब तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान लेना है फॉर किंग, कंट्री एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी।
I am at your disposal, Your Excellency. Good. हमें तुमसे यही उम्मीद है. इस वक्त हम पर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज कौम पर बुरा वक्त आपदा है. ये सारे कौम की आन बान का सवाल है. एंड इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी. आपके जज्बात अनमोल है सर. हम सब अपने काम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे. आपका हुक्म अपना ईमान समझेंगे. शाबाश, वेरी गुड. थैंक यू योर एक्सीलेंसी. जेम्स. यस सर. हम मद्रास जाएंगे. मद्रास? यस, मद्रास. डार्लिंग, जहाज कब तक छूटेगा? 6 बजे तक. ओह गुड. और हम मद्रास कब तक पहुंच जाएंगे? डार्लिंग, तुम मद्रास पहुंचने के लिए इतनी बेकरार क्यों हो? मुमकिन है वहां से कभी श्रीरंगपटनम जाने का कोई चांस मिल जाए और टिपू सुल्तान से एक बार फिर मुलाकात हो जाए. डार्लिंग, तुम बार बार टीपू सुल्तान से क्यों मिलना चाहती हो? उनका दिल उनकी तरह लगा, लेकिन इरादा उनकी फलादी तलवार की तरह मजबूत है. लोग उनकी बहादुरी और सच्चाई के गुण गाते हैं. वो एक सच्चे वतन परस्त और अपनी जबान के पक्के हैं. उनकी दिल जीत लेने वाली बातें मुझे आज भी याद है. What a shame he's not on our side. अब उनसे हमारी मुलाकात दरबार में नहीं, सिर्फ मैदान जंग में हो सकती है. तुमसे नहीं डार्लिंग, सिर्फ हमसे. तुम और तुम्हारी दोस्त निजाम और पेशवा से मिलकर भी 1 साल तक लड़ने के बाद जिससे जीत नहीं सके, अब उसका क्या बिगाड़ लोगे? उल्टा उस अकेले ने तुम सबको हर मुहाज पर रुई की तरह दुनक कर रख दिया. यह तो जनरल मैडोस की गलत प्लानिंग और मुकद्दर का खेल था. फतह और शिकस्त नसीब से मिला करती है. कुछ भी हो, सुल्तान ने तुम्हारी ग्रैंड आर्मी का कुचुंबा बना दिया. मैं तो कहती हूँ उस आदमी से दोस्ती करना. Impossible. आज ही लॉर्ड कॉर्नवॉलिस मुझसे कह रहे थे कि अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है. डार्लिंग, अगर जनरल मैडोस को हटाकर मुझे कमांडर बना दिया गया तो फिर तुम किसकी कामयाबी के लिए दुआ करो? मेरे लिए या टीपू सुल्तान के लिए? जो भी हक पर होगा. हरिपन जी, आप तो कहते थे कि 10 दिन में टीपू सुल्तान की तरफ से शांति का प्रस्ताव हमारे सामने आ जाएगा. नहीं तो 12 दिन में हम उनका विनाश कर देंगे. मगर 12 महीने बीत गए, फिर भी वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं. वास्तव में हरिपन जी, इस संगठन से ना तो अंग्रेजों को कोई लाभ हुआ है ना ही निजाम को. और हमारा तो कौमी नुकसान के साथ जाति अपमान भी हुआ है. हम सभी ने टीपू सुल्तान की ताकत का गलत अंदाजा किया था. तमाम मोर्चों पर उन्होंने बल के साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल किया है. और सुल्तान विरोधी अपनी सेना और बल के घमंड में पीछे रह गए, है ना?
खैर जो भी हुआ है हमें इसका सुधार तो करना ही होगा। मेरी नजर में यह सुधार इस तरह संभव है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह लिख दिया जाए कि अगर टीपू सुल्तान की तरफ से शांति का प्रस्ताव आया तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। नाना साहब ये तो आत्महत्या के बराबर होगा। यही समय है हरिपंच जी, हमें अपनी भूल पर पश्चाताप कर लेना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में ऐसा अवसर फिर कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। ये विदेशी हमें एक दूसरे को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अगर कुछ पंख हमारे हाथ लग भी गए तो कै दिन के और किस काम के, वो तो हमारी पगड़ी की शोभा भी नहीं बन सकते। मैं समझता हूं नाना साहब, लेकिन हमें किसी काम में जल्दी नहीं करना चाहिए, पहले निजाम और अंग्रेजों का रुख देख लेना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं तो कुछ दिन और चुप रहकर देख लेते हैं। आप धन्य हैं नाना साहब, आप बड़े होकर भी छोटों का मान रख लेते हैं। और छोटों को बड़ों की इच्छा और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही आदर है, यही सभ्यता है और इसी में लाभ है। आपका कहा सत्य है नाना साहब। अच्छा हरिपंच जी, अगर अंग्रेजों की तरफ से या निजाम की तरफ से कोई सूचना प्राप्त हो तो हमें जरूर सूचित कीजिएगा। जी कॉर्निश, हमने तुम्हारा मशवरा मानकर हिमाकत की है। हुजूर ने खाकसार की तजवीज पर अमल फरमाकर ऐन अकलमंदी का सबूत दिया है। भाग अकलमंदी का सबूत दिया है। तुम्हारे खुदावंद अंग्रेजों की लड़ाई शैतान की आंत की तरह बढ़ती जाती है, अगर इस आंत की ताक बन गई तो क्या होगा? हुजूर फिक्र न फरमाए, इससे दिल की धड़कनों पर असर पड़ता है। इस खिदमत के लिए जानिसार मौजूद है। हक मौजूद है। साल भर से बाबदौलत का तिवाला निकला जाता है और जंग है के खत्म होने का नाम नहीं लेती। जिल्लाह, दुनिया में जो चीज एक बार शुरू होती है खत्म जरूर होती है। थोड़ा सा इंतजार फरमाए, सब्र का फल मीठा होता है। हम जितना सब्र करते हैं उतनी कड़वाहट बढ़ती जाती है। बाप दादा की जमा की हुई दौलत हमारी जेब से निकलकर अंग्रेजों की जेब तक पहुंच रही है। जानते हो, खजाने में जितना माल कम होता जाता है उतनी ही हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती है। नमकार, हुजूर के दिल की धड़कनों की आवाज साफ सुन रहा है। हक सुन रहा है, असर क्यों नहीं होता? आखिर कब तक हम दो दो फौजों का खर्च बर्दाश्त करते रहेंगे? तुम्हारे ये अंग्रेज अपनी फौज का खर्च खुद क्यों नहीं उठाते? हमें डर है तुम और तुम्हारे ये खुदावंद अंग्रेज दोनों मिलकर हमारे हाथ में एक दिन भीग का ठीकरा थमा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे मुंह पर घोड़े का तोबड़ा बंधवा देंगे। हुजूर का इख्तियार है। हाँ, इख्तियार है। तुम फौरन अंग्रेजों के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ दो। हम उनके किसी वादे पर एतबार नहीं कर सकते। लेकिन टीपू सुल्तान की तलवार हुजूर के दुश्मनों के सर पर लटक रही है। दुश्मनों के सर पर नहीं, अगर दोस्तों के सर पर भी लटक रही है तो लटकने दो। लेकिन हुजूर, जश्न फतह के मौके पर मैसूर का एक तिहाई इलाका हमारे हिस्से में आने वाला है। बेवकूफ, जरखेज जमीन अंग्रेज और पेशवा बांट लेंगे, बंजर और पथरीली जमीन हमारे सर में आएगी। हुजूर, बंजर और पथरीली जमीन हम क्यों फतह करें? हम तो सिर्फ जरखेज इलाके पर कब्जा करेंगे
और अंग्रेज और पेशवा जरा सी जमीन के लिए हमसे दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। हमेशा बेवकूफी की बातें करते करते तुम कभी कभी अकलमंदी की बातें भी करते हो। हमें तुम्हारी यही अदा पसंद है। हुजूर की जरा नवाजी। हाँ जरा नवाजी है। प्रेसिडेंट से जाकर क्यों नहीं कहते टीपू सुल्तान का किस्सा जल्द अज जल्द पाक करे और तुम ये हिसाब लगा कर लाओ कि मैसूर का एक तिहाई इलाका ज्यादा है या उसके लिए जंग में खर्च होने वाली हमारी दौलत। जाओ दफा हो जाओ। जी हुजूर। और सुनो, बगैर हिसाब किताब लगाए हमें अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। जी हुजूर। वरना बखुदा हमारे इताब का शिकार हो जाओगी। खुदा न करे वो कभी आए मालिका की उम्रदराज हो। हाँ उम्रदराज हो। कमबख्त जब भी आता है हमारे दिल की धड़कने बढ़ जाता है। हमने अब तक जिससे भी कोई माहिदा किया है उसने उसे पामाल कर डाला। बाल जब तक सर से जुड़ा है उसकी इज्जत है, उसे टोपी और पगड़ी की हिफाजत नसीब होती है, लेकिन जो बाल सर से गिर जाता है उसे फिर उठाकर सर पर नहीं रखा जाता। जो मुहैदे पामाल हो चुके हैं उनका एहतराम हमें भी नहीं करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो महामिर्ज़ा खान, हम अपने बचाव में बहुत लड़ चुके हैं, अब हमारे दुश्मनों को उनके बचाव के लिए मजबूर कर देना है। जो हमारे इलाकों को रोंद रहे हैं हमें भी उनके इलाकों को रोंद डालने का हक है। अपनी चारों सरहदों को जहां तक बढ़ा सकते हैं बढ़ा लेना चाहिए, इससे हमारे दुश्मनों की हिम्मतें टूटेंगी और दोस्तों की हिम्मतें बढ़ेंगी। हमारा दोस्त खुदा के सिवा और कोई नहीं, उसकी हिम्मत न टूटती है न बढ़ती है। दूसरों के इलाके पता करने से हमारी माली फौजी और सियासी ताकत जरूर बढ़ेगी। सुल्तान अपने नेक इरादों पर फौरन अमल फरमाए। अल्लाह के करम से हम अपना इरादा जरूर पूरा करेंगे, लेकिन आंधियों के मौसम में कमजोर शाख पर आशियाना नहीं बनाया जा सकता। सुल्तान के वफादार बड़े से बड़ा तूफान झेलने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। हम जानते हैं हमारे वफादारों की रगों में पाक खून दौड़ रहा है, वो अपने लहू से जमीन की प्यास बुझा सकते हैं लेकिन वतन से गद्दारी नहीं कर सकते। सुल्तान के नक्शे कदम पर चलकर नमक खार कुर्बानी के जज्बे से सरशार है। अपनी जमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ने एक मुद्दत से सुल्तान के सिपाहियों को पूरी तरह जाबाजी के जौहर दिखाने का मौका नहीं दिया है। गुलाम हाथ जोड़कर अर्ज करता है कि ऐसी लड़ाइयों में खर्च बहुत होता है और कामयाबी कम मिलती है, क्योंकि हर शख्स अपनी चीज के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ता है। मीर सादिक साहब, आपको सिर्फ खर्च की फिक्र रहती है, कभी आपने आन बान के बारे में भी सोचा है? मीर सादिक साहब, हमारा इरादा अटल है, वहदहु ला शरीक के अलावा हमारा फैसला बदलवाने की ताकत किसी में नहीं। न पैसे और फौज की कमी, न गद्दारों की कसरत, न वफादारों की किल्लत, न अपनों की महब्बत, न गैरों की अदावत, न हालात की शिद्दत, न मौसम की सख्ती। हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। बेशक फैसले बदल लेने से हुकूमतें भी बदल जाया करती हैं। हम अपनी तलवार म्यान में ना रखने का फैसला कर चुके हैं। लश्कर तैयार किया जाए। Thank you.
पर जिल्लत उठाने नहीं आए हैं, हमें नालायक ऑफिसर्स नहीं चाहिए। टिपू सुल्तान हमारे घर में घुसकर हमलों पर हमले कर रहे हैं। आकोट, ट्रिचिनोपली, सिरिरिंगम, पेरुमुकल, हमारे कितने इलाकों पर उनका कब्जा हो गया। नाइजाम और नाना फडनवीस, हम समुहायदा तोड़ने के लिए पड़ तोड़ रहे हैं, तरह तरह के बहाने तलाश कर रहे हैं। जिस दिन वो हमारा मुहायदा तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन खुलकर हमारा मजाक उड़ाएंगे। वी विल बी द लॉफिंग स्टॉक। हम सबका सर शर्म से झुका जा रहा है। और टिपू सुल्तान का सर फख्र और घमंड से बुलंद होता जा रहा है। सर, खराबी मेरे प्लान की नहीं, मेरे जूनियर्स की बुजदिली और फौज के दिल पर टिपू सुल्तान की हैबत है, इसलिए फौज कई मोर्चों पर नहीं लड़ सकी। फौज लड़ते नहीं, लड़ाई जाते हैं। जनरल मेडर्स, यू डू नॉट सेंड आउट अ बॉय टू डू अ मैन्स वर्क। यही तुम्हारे प्लान के सबसे बड़ी खराबी थी। बरमुठे माल भी बर्बाद हुआ और वक्त भी, हासिल कुछ ना हुआ। हाथ का माइल है, फिर आ जाएगा। But time and tide waits for no one. एक एक सेकंड लाखों पाउंड से ज्यादा कीमती होता है। We have wasted a whole year. लाखों सिपाही, दोस्तों के ताल्लुकात, मालिकों का भरोसा, our self-respect, all down the drain. सबसे बड़ा नुकसान तो अब पहुंचेगा, जब टीपू सुल्तान के हाथों हुई हमारी इस कंडीशन पर हिंदुस्तान के हुक्मरान हंसेंगे। गीदर भी होगा, वो भी शेर की तरह गुर्राएगा। ईस्ट इंडिया कंपनीज के शेयर्स के भाव दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो शायद कंपनी बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगी। हिंदुस्तान से इंग्लैंड तक हम सबके नाम पर थू थू हो रही है। अब हमें अपना खोया हुआ विकार फिर हासिल करने में अंत तक कोशिश करना पड़ेगी। पहले हमारे जीव साथी हमारी निगाहों के जुम्बिश से उठते बैठते थे। नाउ वी हैव टू पैंडर टू देयर विम्स। जेंटलमैन, हमें इंडिया में मिलिट्री का सारा ढांचा बदलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ब्रिटिश आर्मी को बिल्कुल नई शक्ल देनी होगी। वी मस्ट बिल्ड अ फोर्स दैट विल डिस्ट्रॉय टिपू सुल्तान। हम काम करना चाहते हैं और लेना भी।
जनरल मेडर्स। अब ग्रैंड आर्मी के कमांड हम खुद संभालेंगे। आप हमारे सेकंड इन कमांड रहेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं। राजा और प्रजा का धर्म हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। राजा का आदर करना हमारा संस्कार है। हमारे राजा शेरे मैसूर टीपू सुल्तान है। आज हमारा देश संकट में है। विदेशी राक्षसों ने हमारे देश पर आक्रमण किया है। टीपू सुल्तान देश की रक्षा के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं। हम सबको अपने इस देश रक्षक का बाहुबल बढ़ाना है। अपने सुल्तान के पग से पग मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर रणभूमि में शत्रु से युद्ध करना है। अपनी जन्मभूमि की रक्षा करनी है। अपनी पवित्र भूमि को अपवित्र होने से बचाना है। याद रखो, आज जो कायरता दिखाएगा वो देशद्रोही कहलाया जाएगा। जो देश के लिए प्राण त्याग देगा उसे आने वाली संतानें देश प्रेमी कहकर याद करेंगी। हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि देशद्रोही तिरंगियों के गुप्तचर बन गए हैं। ऐसे लोगों को सूली पर चढ़ाया जाएगा, उनके घर ढाकर उन पर हल चलवाए जाएंगे। चोरों और बच्चे बंदी बनाए जाएंगे। सल्तनत खुदादाद की हर छावनी में युवकों की भर्ती हो रही है। अधिक से अधिक संख्या में युवक उसे सेना में भर्ती होने की प्रार्थना है। सल्तनत खुदादाद।